So, hey guys, it's me, Dhiru Monchik. So, तुमने गाना सुना होगा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है काफी दिन से, मुझे पता ही नहीं था भाई ये वायरल हो रहा है। तो भाई ये काका है जो बेचते थे बादाम, बोले तो मूंगफली, मूंगफली को बादाम बोलते हैं यार, ठीक है। तो भाई उसे बेचते बेचते गाना गाते थे बादाम 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 है दादा का चाहा बादाम। किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, इंटरनेट पे डाला, फिर एंकर मस्त किसी लौंडे ने वॉइस पे म्यूजिक वगैरह ऑटो ट्यून डाल के मस्त कर दिया रिमिक्स क्रिएट। भाई वो सुपर कैची बन गया और वायरल। तो भाई पहले चाचा बादाम बेचते थे और अब तो भाई चाचा की अलग इज्जत हो गई है एंकर। अब चाचा सीधे ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे बादाम आमंड के। सही यार, काका फेमस हो गए तो, लेकिन जिसने रिमिक्स बनाया उसका क्या? तो उससे मेरा क्या फायदा, इसमें उसका क्या फायदा हुआ? उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा यार। भाई शायद ये बंदा है रिमिक्स भाई, किसी के नाम की ऑडियो है। भाई लोगों ने इस पर रील्स बनानी शुरू की, ठीक है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी रीलो से मगर। लेकिन ऐसी रील्स से बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई मुझे। अबे भाई सतर मुल्क को कोई रोक लो बे। भाई ये वो मोगली है जो जंगली जानवरों ने अपने जंगल में रखने का मना कर दिया, इसकी कांट लात मार के भगा दी है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है। सब चीज ठीक है यार, सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई मूंगफलियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था यार, मुझे ये तो बता। ये ऐसी ड्रेस बना बना के नहीं पहनना चाहिए यार भाई, मूंगफली की भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। क्या कसूर था भाई मेरा, क्यों तूने मुझे अपने जिस्म का स्वाद चखाया? गाइस दिस इज द रीजन जिसकी वजह से साइंटिस्ट दूसरे प्लेनेट की खोज करने पे लगे हुए हैं। बात तो सही है। भाई वो तुम्हारा भी मूड सा खराब हो गया होगा, तो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दे देता हूँ, गाना आने वाला है अपना नया जिसका नाम है ख्वाब, ऑडियो आ चुका है, क्या होता है वो स्पॉटिफाई, गाना आ चुका है स्पॉटिफाई पे, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी जाके सुनो उसे, और अच्छा लगे तो बैंकर फैला दो, बाकी वीडियो में जल्दी पोस्ट करूंगा, ठीक है। पहननी चाहिए भाई ऐसी ड्रेस यार, एकदम मतलब अच्छा है। ये ऐसी ड्रेस बना बना के नहीं पहनना चाहिए यार भाई, मूंगफली की भी कुछ फीलिंग्स होती है, मूंगफली को भी अच्छा ही लगेगा। ए बादाम 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 को अच्छा लगेगा मूंगफली। मजा आया। मूंगफली नहीं भैंस, मूंगफली तो नुनू को भी कह देता है, गजब बेइज्जती है। बादाम को अच्छा लगेगा, पर फिर भी सीरियस नोट पे देखो, उसकी ड्रेस जो बनी हुई है वो अच्छी है, कम से कम ढंग से बनाई है। ये क्या है भाई, तो लपेट रही है मूंगफली अपने शरीर पे, बस मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। बस भाई इस सारी चीजों के बाद चाचा बन गए एकदम सेलिब्रिटी, उनके आने लगे गानों पे गाने और उसमें आने लगे मिलियन पे मिलियन व्यूज। भाई किस्मत जो बहुत कुत्ती चीज है, कभी भी पलट जाती है, अपनी पलटेगी एक दिन देखना। नहीं अरे भाई मेरे कानों में चीटी सी घूम गई वो ऑटो ट्यून की वजह से। तो इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई बादाम वाले पे लड़कियां जाती है अपना चेन फोन सब दे देती हैं, गिरवी मतलब बेच देती हैं एक तरीके से, और उससे बादाम खरीद लेती हैं। बहन जो ये कॉन्सेप्ट चाहिए यार वीडियो वायरल करने के लिए, मैं गलत खेल रहा हूँ यार। ऐसे कुछ सोचता हूँ, अभी धमाकेदार सा बनाता हूँ, ठीक है। अभी तुम आने वाला सुन लो पहले ख्वाब। बड़े बड़े सपने रुचे उचे ख्वाब, खुद को रखू मौन ताकि वक्त जवाब, बढ़ता काम मेरा देख माँ भी कहती है शाबाश, बेटा तेरा बना ऐसा दुनिया करती है सलाम। ओके गाइस, तुम जैसे छींक आई तो ऐसे मुझे याद आया कि अगर तुम्हें थूकने का मन करता है तो तुम क्या करते हो, कहीं साइड में जाके थूकोगे, कहीं मतलब खराब सी जगह होगी तो, या फिर भाई वॉशरूम में जाओगे उधर थूक दोगे। लेकिन बैंकर द लेजेंड जावेद हबीब, यो हबीबी, लोगों के सरों में थूकता फिर रहा भाई ये। ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो, और अगर पानी की कमी है ना में जान है। अच्छा थूक में जान है, चाचा मेरे भी मुंह में बहुत ज्यादा जान है, आओ बाथरूम में।
तुम्हारे अंदर जान डाल देते हैं। मतलब भाई इतना लीचड़ इंसान कोई कैसे हो सकता है, किसी के ऊपर थूक दे रहा है वो भी इतने सारे लोगों के सामने और खुश हो रहा है, इस थूक में जान है। अजी मेरा लौड़ा जान है, लौड़ा का जान है। अजय देवगन तो हेयर कलर भी कर देगा। हाँ भयंकर, किसी को गुटखा खिला के फिर बालों में थूकवा लो भाई, हेयर कलर भी हो जाएगा ऐसे तो। इसके बालों पे हो रखा भाई। ये ऐसे ही कराता है, हमने चार बार लफंडर पाल रखा है ना, गुटखा खुला के अपने मुंह पे थुकवा लेता सुबह ही। बाल रंग जाते हैं। अबे इस थूक में जान है। आदमी असली औकात ज्यादा देर नहीं छुपा सकता, ट्रू। एंड गाइस वर्स्ट पार्ट इज दिस कि ये जो लेडी है इसको सामने क्राउड में से बुलाया था, मतलब ये कोई पेड़ बंदा नहीं है इस हेयर स्टाइलर की तरफ से जो कि इसी का बंदा है तो भाई ठीक है इन दोनों की बातचीत हो रहा, क्योंकि नहीं सामने भाई क्राउड में से एक लेडी को बुला के कराया इसने ये सब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता और कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का। सर आ रहे आंटी जी, चुतिया बोलो चुतिया, ऐसी बकचोदी काटने के बाद भी सर इज्जत, ना 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 ना, नॉट गुड। माना उस टाइम पे आप स्टेज पे थे, वहां पे कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब दिमाग नहीं चलता इतना कि भाई ये क्या हो रहा है कैसे, जब इतने सारे लोग सामने होते हैं, ऊपर से वो लोग साला ताली मार रहे हैं तो सामने बंदे को लगेगा अरे ठीक है नॉर्मल सी चीज होगी यार, मुझे शायद बुरा लग रहा है, लेकिन घर आ गया तो तुम्हें समझ आया होगा, बाद में तो समझ आएगा, गाली तो इसे बढ़वे को अभी। और उन्होंने ऑन द स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इन्वाइट किया और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। नो मैटर भाई, तुम कितने भी अच्छे इंसान हो गए मगर इस तरह का मिसबिहेव अगर किसी के साथ कर रहे हो तो गलत है भाई, नहीं करेगा कोई भी तुम्हारी इज्जत। बात तो सही है। लेकिन भाई ये हेयर स्टाइलर से भी ज्यादा गए गुजरे जो लोग हैं वो है ऑडियंस, सामने बैठ के ताली मार रहे हैं, बीमार हो गए तुम लोग सालो, इलाज कराओ अपने जाके। और गाइस क्या तुम्हें पता है किम जोंग ने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया भाइयो, टिकटॉक ज्वाइन किया तो किया, हिंदी ऑडियोस पे वीडियो बना रहा है वो। मैं नहीं मानता, मानना पड़ेगा भाई, लड़ाई होगी भाई, यदि लड़ाई है ना तू जाके देख। भाई वीडियो देखने के बहकर 10 मिनट बाद तक तो मैं यही सोचता रहा कि यार असली थी क्या, बार बार देख रहा हूँ देख जा जाके रिपीट मार मार के कि भाई असली थी क्या। अबे साले मतलब नहीं, लेकिन उसकी जैसा कोई दिखने वाला है, लेकिन चल यार बहन जो अगर भाई इससे रियल वाले ने वीडियो देख लिया इसे मिल गया ना ये इसके जैसे जो दिख रहा है भाई रॉकेट से उड़ा देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा इसे, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सफाई हो गई, चीख चीख के मेरे गले में इतना दर्द है। गले में? हाँ भाई, चीखने से गले में दर्द होता है। मैं भाई बहुत चीखा हूँ ना परसों रात, मैच के था, मैच कितने लोग थे? असल में दो टीमें थी ना और आप अकेले, समझ रहे हो ना? ओ भाई भयंकर के खतरनाक ह्यूमर दिखा दिया उस बंदे ने वहाँ पे खड़े खड़े। ये भी भाई कोई पाकिस्तानी शो ही है, नाम बताओ यार अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा था तो पूरे शो को देखते हैं जरा। बाकी दो वीडियो बना रखी मैंने पाकिस्तानी शोज पे, वो जाके देखो, नहीं देखी अभी तक तो। तो भाई पंखा चेंज किया जा रहा है, खटिया के ऊपर खड़े हो गए, पंखा उसने उतार लिया वहां से, उसे पकड़ा रहा है दूसरा पंखा लेना। पर ये ऊपर चढ़ा कैसे? हाँ बे भाई खाट से ऐसे खाट ऐसे करके खड़ी है अगर तो ये उसके ऊपर चढ़ कैसे गया? मतलब देखो मैं तुम्हें, तुम अगर गौर से समझोगे तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे ऐसे करके खाट है तो ऐसा उसने नीचे से अगर पकड़ रखी होगी तो ऐसे चढ़ गया वो, यहां तक चढ़ जाएगा उससे यहां तक, मतलब ये जो हिस्सा है, फिर ऊपर को ऐसे चढ़ के पैर रखेगा अगर तो आगे को वैसे ही गिर जाएगा। चढ़ा कैसे? बढ़वा ऊपर, ये डोरी पे पैर रख के, खटिया की डोरी पे पैर रख के तो चढ़ गया, लेकिन भाई तू समझ नहीं रहा बात को, उस पे पैर रख के इसे ऊपर को चढ़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, पकड़ने के लिए सपोर्ट चाहिए, और अच्छा पंखा पकड़ा होगा शायद, वहां तक आके एक हाथ से ऐसे ये पकड़ के पैर ऐसा रख के पंखा पकड़ के, ए यार पता नहीं भाई। ठीक है जी वीडियो मैं तेरी खत्म कर सकता, तो वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और गाना आने वाला है जल्दी से, कब आएगा कैसा आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट से।
मतलब एक दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा तो पता लग जाएगा, फिर अगले दिन आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। अपनों का कभी मैंने साथ नहीं छोड़ा, दोस्ती के लिए बड़ा हाथ नहीं मोड़ा, दुश्मन का कत्ल किया दाग नहीं छोड़ा, वारदात के ठिकाने पे निशान नहीं छोड़ा, कभी हाथ नहीं जोड़ा, ठाट बाट नहीं छोड़ा, डूबा गंगा में जाके पर पाप नहीं छोड़ा, कुत्ते जंगली है पाले चार घर पर, मैंने मांस खाना दिया छोड़ पर शिकार नहीं छोड़ा, कल्ला थे गौर नहीं हल्ला कोई शोर नहीं, पन्ना जे भर रहा तो सब तोड़ नहीं, मत थे लोड नहीं, दिला चे चोर नहीं, बंदा मैं देसी था देसी टोर भी।